नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जेके जैन। दोस्तों आज बात कर रहे हैं वेलनेस पे। जैसे कि थॉमस एडिसन ने कहा था कि फ्यूचर के अंदर आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन लो। ऐसे ही मोदी जी आजकल कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसमें कोविड 19 के इलाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप काढ़ा पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी यूज कीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग बता रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं श्री रविशंकर जी को भी आप देख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों को अपना जो है मेडिटेशन करना चाहिए। और आपने जो है बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उनको अपना योगा करना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो है ये आपके जो वेलनेस के प्रोडक्ट खाने चाहिए, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपने रियल हीरो जिनको बोलते हैं राजीव दीक्षित जी कहते हैं, बिल्कुल आयुर्वेदा का मंत्र देते हैं, रामदेव जी आयुर्वेद का मंत्र देते हैं, और मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी आज ये भी इस पर काम कर रहे हैं, एंडो वेलनेस पे काम कर रहे हैं। आप अपने डॉक्टर बनिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हर वो व्यक्ति जो अपने स्वयं को, अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ रखना चाहता है, उसे हर चिकित्सक मतलब खुद का डॉक्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो जिससे कि वो अपने घर का, अपना देश का अपना इलाज कर सके। क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे स्वास्थ्य विभिन्न रोगों से बचाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि बस खाने के अंदर हमें 7 चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे हमें चाहिए होता है खाना पीना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, ये तो हम बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की हमारे में कमी रह जाती है, जो कि मुख्यतः रूप से हमारे को नेचर से मिलती है। और इसीलिए जितने भी अभी आप नाम आपके सामने आए, ये सब नेचुरल पे काम करते हैं। थॉमस एडिसन ने तो पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था, और साकार के बारे में आइंस्टीन ने भी ये कह दिया था, थॉमस एडिसन ने भी बोला था कि फ्यूचर में साकार ही इस पृथ्वी को बचा सकता है। जैसे कि आज हम कोविड 19 जैसी बीमारी देख रहे हैं, तो इनको बचाने का एक ही तरीका है कि वेजिटेरियन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का नॉलेज ही हमें बचा सकता है। तो दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा इसका नॉलेज लेना है। नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे तरीके आपके पास में किताबें हैं, आपके पास में वीडियोज हैं, ये सारे बताए जा रहे हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल की कितनी कितनी मात्राएं होती है। उसके अलावा WHO इसके ऊपर काम करते हुए बताता है कि आपको इस मात्रा के अंदर ये चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनको लेने से जो आने वाले समय की जो बीमारियां हैं उससे भी हम निजात पाते हैं, और हमारे जैसे पोषण की कमी, असंतुलित आहार, ऐसे में बुढ़ापा, झुर्रीदार त्वचा, कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, शरीर में दर्द, कमजोर हड्डियां, मसल्स और आंखों की हानि, मतलब दृष्टि की हानि, बार बार के संक्रमण, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम यदि ठीक नहीं है तो हमारा साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब का सॉल्यूशन इन्हीं सब चीज़ों में जो नेचर के अंदर है, न्यूट्रिशन के अंदर है, चाहे वो नींद की कमी हो, भूख न लगना हो, शारीरिक विकास में बाधा हो आदि, कई जो भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर, जो भी कमियां रह जाती है, उसी का ही हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तभी हम देख रहे हैं कि 60 साल का आदमी अभी 80 साल का दिखने लग जाता है, 40 साल का आदमी 60 साल का दिखने लग जाता है, जबकि जिनके न्यूट्रिशन कंप्लीट है उनको 60 साल का आदमी भी 40 साल का ही नजर आएगा, या 80 साल का है तो वो 60 साल का ही नजर आएगा, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना हो। और जैसे कि हम देख रहे हैं जापान, अमेरिका के अंदर लोग ज्यादा जीते हैं, उनका एक रीजन ये रहा है कि वो न्यूट्रिशन की कमी को हमेशा पूरा रख पाए हैं। जबकि हालांकि उनका एक माइनस पॉइंट ये रहा है कि वो मांसाहार के ऊपर आधारित भोजन का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं, इसलिए और आधुनिकीकरण के भागदौड़ भरी जिंदगी के कारणों में प्रोस्टेट बनाए रेडी टू ईट खाने पर निर्भर होने के कारण आज वो मतलब की है उनकी सेहतें भी खराब हुई है, और कोविड 19 जैसी बीमारी ने उन सबको जकड़ लिया। वैसे तो विश्व को जकड़ लिया है, लेकिन इसके जो भी प्रॉपर इलाज है वो इसका एक नेचर ही इलाज है। तो दोस्तों नेचर हमें कहता है कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल व फाइबर से की चीज़ों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी में न्यूट्रिशन है, मतलब कि इस धरती में इतने सारे हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और ये सारी चीज़ें दी है, जिससे कि भंडार है, मैं ये कहता हूँ भंडार है, जिनमें से यदि हम कुछ चीज़ों को सही तरीके से यूज कर लें तो हमारे लिए ये फायदेमंद हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हम बुढ़ापा, हृदय रोग, कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये बार बार के जो फ्लू आ रहे हैं, जिसमें कि आप कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां भी आप देख पा रहे हैं, और अपना जो इम्यून का सिस्टम है बहुत बढ़िया हो सकता है यदि हम फाइटोन्यूट्रिएंट, जो कि ज़्यादातर हमें फलों से, फूलों, सब्जियों से, इन सब चीज़ों से मिलता है, उन पे यदि हम आधारित होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। और खेती में इस्तेमाल हो रहे आजकल कीटनाशक, रसायन, प्रदूषण और पराबैंगनी आदि किरणों ने भोजन में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को घटाया है। जो पोषक तत्व बच भी गए हैं तो उसको मतलब भोजन में पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज लेके काम करना चाहिए। धन्यवाद।
जेके जैन लाइफ चेंजिंग वीडियोस एक ऐसा प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मोटिवेशनल गुरु जेके जैन चाहते हैं कि उनके 30 साल के अनुभव से लिए जीवन ज्ञान और सफलता के सूत्र जन जन तक पहुंचे, जिन्हें जानकर इस दुनिया का हर इंसान अपना सपना साकार कर सके और एक बेहतर जीवन जी सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।